मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव बदलाव कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं ज्योतिरादित्य के प्रतिनिधि ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सीएम शिवराज कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमले तेज करते नजर आ रहे हैं। मुंगावली विधानसभा की पिपराई तहसील पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार कोई काम करती है तो राजा महाराजाओं को गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रदेश की सेवा तो की ही नहीं है। इनकी सरकार ने प्रदेश की सभी सड़कें खोद दी, मैंने 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनवाकर जनता को दी है, इसीलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। इनके सर्वोच्च नेता राहुल बाबा वो आजकल किसानों की बात कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं गेहूं की बाल ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है। वो भी आते हैं और मुझे आरोपों की वर्षा कर जाते हैं, शिवराज ऐसा है, शिवराज वैसा है। अरे मुझे तो छोड़ो, मेरे बेटे पे ही आरोप लगा दिया कि पनामा लीक में नाम है। हमें तो पता ही नहीं पनामा क्या लीक क्या है। दूसरे दिन मेरे पत्रकार मित्रों ने पूछ लिया कोई सबूत, बोले गलती हो गई, मैं कन्फ्यूज हो गया था। अरे भैया पूरी कांग्रेस ही कन्फ्यूज है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो पार्टी अपना नेता तय नहीं कर पाई वह सरकार क्या चलाएगी। इनके नेता कहीं सिंधिया सरकार तो कहीं कमलनाथ सरकार, कहीं अजय सरकार तो कहीं भूरिया सरकार सुनाई देता है। शिवराज सीएम चौहान लगातार कांग्रेस नेताओं को झटके देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह यादव को भाजपा की सदस्यता दिलवाई।
देख रहे हैं दखल न्यूज। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।